तो उस वक्त तुम जेलस हो रही थी? हाँ, वैसे मुझे अंदाजा तो था। तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? ये दलिया है गर्म। ज्यादा सोच कैसे गया? क्या हुआ? उषागर दूसरी तरफ देखे। डॉक्टर वैन, आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है कि आप दूसरी तरफ देखें। उसे शर्म आ रही है। अब ठीक है वैन की गर्लफ्रेंड? और मुंह खोलो। मेरा रंग कौन रंग है? अच्छा ठीक है वैन की गर्लफ्रेंड, थोड़ा और मुंह खोलो। हो गया, मैं दवा लिख कर दे रही हूँ। अगर सूजन कम हो जाए तो फैसला कर लेना दांत निकालना है या नहीं। रुको जरा, तुम्हारे दांत की पोजीशन और शेप बहुत खास है। मैं इस केस से काफी इंटर्निस को सिखा सकती हूँ। क्या मैं आपके दांतों की फोटो ले सकता हूँ? अभी कैसी है? बहुत प्यारी है, प्यार करने के लायक। चेहरा सूजने के बाद भी खूबसूरत लग रही है। इसके दर्द का पूछा है? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक मसूड़े की सूजन है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए नर्म और हल्का खाना खिलाए। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। फिर से तंग करूंगा तुम्हें। बाय। चलो, काफी तस्वीरें होंगी, बस इतना ही काफी है। रुकिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। ज़ोंगज़ेंग, चेंगचेंग, तुम यहाँ? तुम्हारे कजिन से मिलने आई हूँ। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। चेंगचेंग, तुम तो मेरी कजिन के करीबी दोस्त हो, तुम्हें पता है वो किससे प्यार करती है? हाँ। तो फिर ये भी पता होगा उसका बॉयफ्रेंड? वो वेन शाओकिंग है। ओह माय गॉड, सिर्फ मैं ही हूँ जिसे नहीं पता था। लेकिन कजिन तो वो तुम्हारी है ना, जब तक तुम उसके साथ रहोगे तब तक परेशानी की कोई बात नहीं। तुम ठीक कह रही हो। यहाँ तुम मदद मांगने आई हो ना? मुझे मालूम है कि तुम बॉस के अंकल के यहाँ काम करती हो, और वो भी बॉस की तरह खड़ूस है ना? सही कहा, चाचा भतीजे एक ही जैसे हैं। हम दोनों का हाल बिल्कुल एक ही जैसा है, और वो बॉस के अंकल मुझे तो ज्यादा खतरनाक लगते हैं। मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी, और जब तुम उसके साथ होती होगी तब तुम्हें कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद तुम इस मुश्किल से निकल जाओगी। लेकिन मैं, मुझे तो कोई होप नहीं दिख रहा। ज़ोंगज़ेंग, तुम्हें मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं है ना? क्यों नहीं होगी मुझे तुम्हारी फिक्र? बिल्कुल है तुम्हारी फिक्र, लेकिन तुम मेरी कान क्यों खींच रही हो? बात ही कान खींचने वाली हो गया। बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। दर्द हो रहा है सच में, नहीं बहुत दर्द है। रुको, देखने दो मुझे। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें नॉक करना चाहिए या फिर हम वापस चले जाएं? अभी जाना ठीक नहीं होगा, हम थोड़ी देर यहीं रुककर इंतजार कर लेते हैं। तुम्हें कैसे पता है इस वक्त हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना? तुम्हें पता तो है मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, बस यही वजह है। अगर मेरे बॉस और कजिन साथ में खुश है तो मैं दोनों की खुशी पर राजी हूँ। अच्छा है कि वो मुझे भूल ही जाए। सही कहा तुमने।
बॉस, आप कैसे हैं? इतनी जल्दी आ गए? अगर तुम्हें अंदर नहीं आना था तो तुम छिपकर बातें सुन रहे थे हमारी? नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब जीजू, मैं तो बस यहाँ कजिन से मिलने आया था और ये दवाइयाँ भी लाया था। प्लीज उससे कह दीजिएगा कि ये दवाइयाँ मैंने लाया था, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। मैं चलता हूँ। ओके भाई। मैंने दवा लगा दी है, अब ज्यादा बोलना मत। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। ओ, इधर आओ मेरे पास। इस बात पर एक तस्वीर तो बनती है, बिल्कुल खरगोश जैसी लग रही हो। क्यों कर रही हो? अच्छा अच्छा रिलैक्स हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रही हो। ये तुमसे कहना चाहिए कि तुम यहाँ क्यों आ रही हो, तुम्हें अब जाना चाहिए। और तुम्हें ये समझ भी आ गया? ऐसा ही एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए जो बिना कुछ कहे ही आपकी सारी बात समझ ले। अब ये कह रही है कि तुम जेलस क्यों हो रही हो? तुम भी विनरैंक के साथ हो? तुम मुझसे मिलने आई थी? ठीक है, बताओ क्या बात है? तुम मेरी मदद करोगे ना? बहुत सख्त इंसान है वो। तो क्या हुआ, मुझे वैसे भी आसान लोग पसंद नहीं, बस उसी के जैसे पसंद है। तुम्हारे अंकल परफेक्ट है, तुम्हारे अंकल के कैरेक्टर की फैन बन चुकी हूँ मैं, मुझे भा गए हैं वो। बहुत ही सख्त इंसान है मेरे अंकल, आसानी से नहीं संभलते। तुमने सोच लिया ना? हाँ सोच लिया है मैंने, मुझे बस एक चीज की परवाह है, उसका गर्लफ्रेंड क्या अभी भी उसके साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस बात की परेशानी है, मैं उसका दिल जीत लूंगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि एक दोस्त होने के नाते मेरी मदद कर सकते हो तुम इस बारे में? जैसे कि घर का एड्रेस, मॉम, नहीं दादी जी और दादाजी, उन दोनों को खाने में क्या पसंद है बताओ, ताकि तैयारी कर सकूं। देखो तुम बेकार में ही उन पर अपना वक्त जाया कर रही हो, उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसका मतलब है तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम्हें कुछ आइडिया है कि मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रही हूँ और मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जबकि मैंने तुम दोनों को एक साथ मिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और हाँ, जब ये डॉक्टर किन से जेलस हो रही थी तब मैंने ही इसे समझाया था, वरना ये तो तुमसे दोस्ती ही खत्म करने वाली थी। वो मैं ही थी जिसने इसे समझाया कि वेन शॉकिंग जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जानते हो कितना मुश्किल था इसे मनाना? तुम परेशान मत हो, ये सब पुरानी बातें हैं, वेन शॉकिंग बुरा थोड़ा मानेगा। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे ये सब छोड़ो, ये असली बात नहीं है। पॉइंट तो ये है, मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए कितना कुछ किया, तो अब तुम भी मेरी मदद करोगे। लिखो सब। अच्छा ठीक है। गुड लक। थैंक यू। कांग्रा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा कोई और रिश्ता भी बन सकता है। कितनी अच्छी बात है ना? अब बस तुम दोनों मुझे आंटी बुलाने की इंतजार करो। चलो ओके बाय। वो मेरी आंटी बन गई। तो उस वक्त तुम जेलस हो रही थी? हाँ वैसे मुझे अंदाजा तो था। बहुत बातें हो गई, मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतनी मेहनत किस लिए? मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी नहीं जॉब, मुझे पढ़ना है।